में से पूरे उनके खानदान वालों को अपराधियों को पूरे सबके सजा और यही हम गुजारिश करते हैं। जानकारी आप मारे खातिर हमारे मर्द जानकारी रहा तो हमारे मर्द कर लेना गोल रही थे अब मार के और धूप खून ले वाली सगवान के पेड़ तर गड्ढा खोल के चाली गई कि थोपी दे इसको लेकर एक घर पे पहुंचा और टॉर्चर करने लगा। टॉर्चर करते समय इसको भी अन झटके में चोट लगी, वहीं डेड कर गया। देवभूमि कहे जाने वाला उत्तर प्रदेश का जिला इस समय देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। चर्चा का कारण दीन दहाड़े नरसंहार। नरसंहार का कारण फिर वही जमीन विवाद। यूं तो सरकार ये दावा करती है कि प्रदेश भर में जीरो टॉलरेंस नीति है और प्रशासन हर मुद्दे को लेकर गंभीर भी है और त्वरित कार्रवाई भी की जा रही है, लेकिन देवरिया में हुआ हत्याकांड असल में प्रशासन पर ही सवाल खड़ा कर रहा है। अगर सही समय रहते प्रशासन ने दोनों पक्षों में समझौता करा दिया होता तो आज तस्वीर जो सामने आई है वो ना आई होती। घटना के बाद विधायक शलभ मणि सहित कई नेताओं ने प्रशासन को ही घेरा है। इस घटना में सत्यप्रकाश दुबे की बेटी का कहना है कि मामला कोर्ट में चल रहा था और 4 अक्टूबर को सुनवाई थी। उसने ये भी बताया कि दूसरा पक्ष ये जानता था कि वो गलत है, इसलिए प्रेम यादव सुबह घर पर आकर मारपीट कर रहा था, जिसके बाद ये सब घटना हुआ। सत्यप्रकाश की बेटी ने यह भी बताया कि मामला कई सालों से चल रहा था और कई बार इसकी शिकायत भी पुलिस में की गई, मगर वहां कोई भी सुनवाई नहीं हुई। यही नहीं, उसके मुताबिक सत्यप्रकाश दुबे ने इसकी शिकायत वहां के अन्य आला अधिकारियों से भी की थी, मगर उन्होंने मामले पर ध्यान ही नहीं दिया। इसके बाद आखिरकार जो हुआ वो सबने देखा। विधायक शलभ मणि ने तो अपने फेसबुक वॉल पर खुलेआम इसका दोषी प्रशासन को ठहराया है और कहा कि चुल्लू भर पानी में डूब मरो। इस घटना में घायल अनमोल दुबे फिलहाल बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती है, जहां उसे देखने खुद सीएम योगी पहुंचे, जिसके बाद तमाम नेताओं ने पहुंचकर अनमोल का हाल जाना और इस घटना पर कठोर कदम उठाने की बात कही। वहीं दूसरी ओर प्रेम यादव के परिवार वालों का भी आरोप है कि प्रेम यादव की हत्या सत्यप्रकाश दुबे ने कर दी और उसकी लाश को गड्ढे में छुपाने की योजना थी। प्रेम यादव की पत्नी का कहना है कि उन्हें न्याय चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम में सबसे अहम जो भूमिका दिखाई दे रही है वह है सत्यप्रकाश दुबे के भाई साधु दुबे की, क्योंकि वो कई सालों से प्रेम यादव के घर पर ही रह रहा था और जिस जमीन को लेकर ये सब बवाल हुआ वो जमीन भी उसी की बताई जा रही है। फिलहाल देवरिया हत्याकांड में पुलिस ने 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। फरार चल रहे लोगों की तलाश जारी है। गाँव में चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती है। बता दें कि सत्यप्रकाश दुबे की बेटी शोभिता ने सरकार से मांग की है कि उसके परिवार के 5 लोगों की हत्या करने वालों का एनकाउंटर हो या फिर उनको फांसी की सजा दिलाई जाए। इसके अलावा शोभिता ने बुलडोजर की कार्रवाई करने की भी मांग की है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर सीएम योगी ने सख्त कार्रवाई की है। इस पूरे प्रकरण में लापरवाह राजस्व कर्मी व पुलिस कर्मियों पर गाज गिरी है। कुछ का निलंबन तो कुछ का स्थानांतरण और विभागीय कार्रवाई का दंड मिला है। इसके साथ ही वर्तमान उप जिलाधिकारी और क्षेत्राधिकारी को निलंबित भी कर दिया गया है। इनके भाई ज्ञान प्रकाश दुबे